हेलो अवेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू डी आर सी जे होम क्लासेज आ डिजिटल इनिशिएटिव बाई डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और हमने जो क्लास नाइन्थ में एक प्रोज उठाया हुआ दफन द हेज उसके दो पार्ट हमने एक कर लिए यानी पूरा प्रोज को हमने दो वीडियोज़ में कवर किया आज हम उसका जो लैंग्वेज वर्क है और जो उसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं तो होप कि आपने ये दोनों वीडियोस देखी हो तब जाके आपको ये समझने में बड़ी आसानी होगी और ये वीडियो देखनी ज़रूरी है तभी जाके आप इसको समझेंगे तो कोविड नाइन्टीन से जुड़ी हुई एक एक रिलेटेड एरे, ये ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ी हुई है कि किस तरीके से 2000 आज से 100 साल डेढ़ सौ साल के बाद किस तरीके के एजुकेशन से, सेटअप होगा हमारा और उसमें दिखाया गया है साक ऐसी मैं कि बच्चे कंप्यूटर पे पढ़ेंगे और उनको ये कंसेप्ट भी नहीं होगा कि स्कूल होता है और स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में जाके हंसी मजाक करते हैं बच्चे टीचर होता है एक ह्यूमन बीइंग एक टीचर हो सकता है उनके कंसेप्ट में ये भी नहीं है उनको लगे उनको उस वक़्त ये कंसेप्ट होगा कि सिर्फ कंप्यूटर ही टीचर हो सकता है और और वो जब ये इसके बारे में सुनते हैं कि उनको एक डायरी मिलती है तो वो बड़े बचक्के रह जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन इसमें हैं पहले वट डिड मैर्गी

करने की कोशिश करेंगे हाउ ओल्ड आर मैर्गी एंड टॉमी सबसे पहले कि इनकी उम्र क्या है तो मैरगी इज अलेवन एंड टॉमी इज़ थर्टीन वट डेड मैर्गी राइट इन अ डायरी जो आपका क्वेश्चन रिलेट करता है आपके टेक्स्ट बुक के साथ क्या लिखती है तो वो लिखती है टुडे ऑन सेवेंटीन मई ट्वेंटी वन फिफ्टी सेवन उसका मतलब दो हज़ार यानी आज से सौ एक सौ बीस त्रीस साल बात एक सौ सताईस साल बाद टॉम अ बुक बिफोर नो हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर तो इनके आंसर ये हैं अगर आपको आपने अच्छी तरह देख ली हो तो आप फटाफट इनके आंसर तो ऐसे भी कर सकते हैं वट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज द बुक हैड येलो एंड रिंकल पेजेज द बोर्ड्स ऑफ द बुक स्टिल वो वहीं पर रुके हुए थे वो अपनी है कि वर्ड्स रुक भी सकते हैं उनको लगता है कि कंप्यूटर की तरह उस बुक के भी वर्ड मूव करते होंगे वट डू यू थिंक द बुक इज़ टेली बुक इज टेली बुक क्या है टेली बुक इज डिस्प्लेड ऑन टेलीविजन स्क्रीन एंड टेक्स्ट बुक इज सिमिलर टू अ बुक टेक्स्ट बुक होगी जो आपके पास बुक है आपके हाथों में टेली बुक क्या हो गया जैसे आपके पास लैपटॉप है यानी लैपटॉप जैसी बुक वेयर वॉज मैरगी स्कूल डिड शी हैव एन क्लासमेट्स उसका स्कूल कहाँ पे था और उसके क्लासमेट तो बिल्कुल सिंपल है उसका बेडरूम के साथ में उसका स्कूल था और उसका कोई क्लासमेट भी नहीं था व्हाट वाट सब्जेक्ट और तो तो भाई बहन भी सेम क्लास में नहीं थे क्योंकि एज लेवल अलग अलग था व्हाट सब्जेक्ट डिड मैर्गी एंड टॉमी लर्न क्या क्या पढ़ते थे मैर्गी लर्न जोग्राफी एंड मैथमेटिक्स टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कुछ ये बड़े क्वेश्चन भी हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मेकनिकल टीचर्स एंड द क्लासरूम एंड रूम एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी मैर्गी एंड टॉमी है मैकनीकल टीचर्स दे नीड नॉट टू गो टू स्कूल फॉर गेटिंग अ फॉर्मल एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन को के लिए उनको स्कूल नहीं जाना है द मेक्निकल टीचर इज प्लेस्ड इन वन रूम ऑफ द हाउस एंड दे कैन गेट द नॉलेज ऑफ़ वेरियस सब्जेक्ट इंडिविजुअली फ्राम द मेक्निकल टीचर यानी एक मैक्निकल टीचर और समझो एक कंप्यूटर होगा वही सारा नॉलेज उनको वहीं से मिल जाएगा दे डूड नॉट हैव सच क्लास रूम्स वेयर स्टूडेंट्स सेट टुगेदर दे स्टडी फ्राम टेलीबुक्स शो दे डोंट रिक्वायर बुक्स एंड एक्सरसाइज बुक्स द एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट उस वक़्त एग्जामिनेशन सिस्टम भी डिफरेंट होगा जैसे होमवर्क करने का सिस्टम भी अलग था वो एक स्लॉट में एड कर देते थे क्वेश्चन नंबर टू है वाई डिट मैर्गीट स्कूल ये स्कूल से नफरत क्यों करती है क्योंकि उसको तो लगता है उसको तो कंसेप्ट है कि ये बेडरूम वाला ही स्कूल होगा वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव फन तो उसे क्यों लगता है कि ओल्ड काइंड ऑफ़ स्कूल जो है उनमें बड़ा मजा आता होगा मैरगी हेटेड हर स्कूल बिकॉज शी हैड अ मेकनिकल टीचर इट वॉज हर हाउस शी वॉज पोज टू सिट इन दैट रूम एलून टू कंप्लीट हर होम टास्क असाइनमेंट तो उसको लगता है देयर मस्ट बी फन इन दो स्कूल वैन देयर ऑल बॉयज आर प्लेंग इन द स्कूल यार्ड एंड गोइंग टू स्कूल एंड डूंग सो मैनी एक्टिविटीज इन द स्कूल तो उसको बड़ा फ़न लगता है इसलिए अच्छा लगता है कि वो स्कूल पुराने टाइम के स्कूल बहुत अच्छे थे जिनको हम आज कदर नहीं करते हैं और कोविड नाइन्टीन में जिनकी कदर हम सबको आइए आपको भी आइए हमें भी आइए

एक मैकनिकल टीचर होगा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होगा कोई इमोशन नहीं होंगे कोई सेंटीमेंट्स नहीं होगी इट डज नॉट हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड मोर एवर इट गाइड्स अ पीपल अकॉर्डिंग टू एयर एडजस्ट मोड्स बट टूडे स्कूल वर्क फॉर दरऑल डिवेलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड दे लर्न द सेम थिंग द टीचर्स आर रियल ह्यूमन बींगस दे लर्न टू अडोप्ट देम टू द न्यू सराउंडिंग्स एंड कोप द स्ट्रेंजर्स राइट इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है आई वुड नॉट थ्रो इट अवे सेज दीज वर्ड्स मैं इसको नहीं फेंकूँगा ये वर्ड्स किसने बोले थे वाट डाज इट रेफर टू इट अवे अभी इट को नहीं फेंकूँगा इट को नहीं फेंकूँगा ये इट क्या है यानी ये प्रनाउन जो इट है किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे इस सेंटेंस में तो अगर आपने पर, आ, सुनी होगी पढ़ी होगी ये बुक ये लेसन या ये वीडियोज तो आप आसान इसे बता सकते हैं वट इज़ इट बींग कम्पेयर ट बाई द स्पीकर ये इट को यानी ये जो प्रनाउन है इसको किसके साथ कंपेयर किया गया है श्योर बट इट वॉज नॉट अट वॉज दे रेफर टू टीचर अब ये दे कौन है पुराने समय के बच्चे ठीक है वॉट डज रेगुलर हियर अब रेगुलर का यहां पर मतलब क्या है बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर अब यहां पर रेगुलर का मतलब क्या है ठीक है कि रोजाना जो यहाँ पर चौबीस घंटे अवेलेबल हो जैसे ट्वेंटी फोर आवर्स अवेलेबल आव है मैकनिकल टीचर ठीक है वाट इज इट कंट्रास्टेड विद इट को किस इट 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 अ अ मेन मेन तो किसके साथ कंट्रास्ट किया गया है तो ये आपने छोटे छोटे से इस स्टोरी में से ढूंढ के इनके आंसर आपने करने अपनी होमवर्क बुक में भी नोट नोट डाउन करने फिर व्हाट्सअप ग्रुप में भी अपने अपलोड कर देने <coughs> तो यहाँ पर कुछ आंसर भी मैंने लिखे हुए सेज दीज वर्ड्स हु सेज दीज वर्ड्स आई नॉट थ्रो इट अवे ये किसने बोल बोला था मैर्गी इट किसके लिए रेफर किया गया रियल बुक के लिए रियल बुक किसको मिली थी टॉमी को मिली थी अब ये इट को जो है कंपेयर बाय द स्पीकर किसके साथ कंपेयर किया गया है द स्पीकर कंपेयर इट विद द टेली बुक इसको बुक के साथ बुक को बुक के साथ कंपेयर कर रहा है अब ये अब दूसरा है कि दे किसके लिए रेफर किया गया ओल्ड टाइम्स के लिए जो मैंने पहले ही बोला ठीक है और यहाँ पर रेगुलर का मतलब क्या है रेगुलर रेफर्स टू द मेडिकल टीचर देन दे हैड इट इज़ कंट्रास्टेड वाई वाट इज इट कंट्रास्टेड विद इट किसके साथ कंट्रास्ट किया गया इट इज़ कंट्रास्टेड विद द नॉर्मल टीचर ऑफ अर्लियर टाइम्स जो अर्लियर पुराने ज़माने में जो हमारा जैसा ह्यूमन बींग टीचर होता था उसके साथ इसको कंपेयर कंट्रास्ट किया गया ठीक है तो ये आ गए ये जो आपके टेक्स्ट बुक में ये वाले दो क्वेश्चन है इनके आंसर आपके इसमें ठीक है थीके? अब एक लैंग्वेज वर्क रहता है इसके अंदर ठीक है एक पैराग्राफ दिया गया है तो उसके बाद नीचे क्वेश्चन हैं आपने वो फिल इन द बिलेंस पूरे करने हैं एन आइडियल स्टूडेंट इज वन हु इज़ एन ऑलराउंडर ऑलराउंडर मतलब बिल्कुल चारों हर काम जो करे बाय ऑलराउंडर आइडियल मतलब कि बहुत अच्छा यानी जो आइडियल होगा जो एक माना जाए कि ये बहुत आई स्टूडेंट है जैसा स्टूडेंट होना चाहिए ऑलराउंडर वी मीन वन हु इज गुड एट स्टडीज अब वाट इज़ द ऑलराउंडर हु इज गुड एट स्टडीज हु इज गुड एट प्लेइंग हु इज़ गुड एट होम टास्क हु इज डिसिप्लिन इज ओबीडियंट रेस्पेक्ट फॉर हु हैज रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड हार्ड वर्क आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स तो ये प्रिंसिपल्स उसके अंदर होने चाहिए अर्ली इन द मॉर्निंग क्या करता है अर्ली मॉर्निंग में उठता है ही रिफ्रेश बॉडी बाई गोइंग आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक रेगुलरली ही अंडरस्टेंड्स दैट ओनली अडी कैन हाव अ साउंड माइंड ही इज नॉट अ मेयर बुक वोम सिर्फ बुक किताबी कीड़ा नहीं है सब कुछ करता है साउंड माइंड साउंड अपनी बॉडी को फिट रखता है बट एक्सपोज हिमसेल्फ टू वेरियस प्लेस एंड गेम्स ही इज एन एडवेंचर लवर And this makes him enterprising. He never puts off any work for tomorrow, but he believes in today. Today, he believes in today, did not put everything on tomorrow. He values friendship and relationship. He respects elders. He values friendship and relationships. His good behavior is a hallmark of his personality. He has a very good behavior. आइडियल स्टूडेंट का बिहेवियर जो है बहुत ही अच्छा होगा एंड दैट इज़ हॉल फॉर हिज पर्सनॉलिटी ही लवस एवरी वन एंड ट्राइज़ टू बी हेल्पफुल टू एवरी वन ही गोज़ टू द लाइब्रेरी रेगुलरली एंड एड्स टू हिज नॉलेज तो ये आपके लिए भी है कि आइडियल स्टूडेंट कैसा होना चाहिए तो आप अपने अंदर देख लें कि या ये वाली खूबियाँ आप में हैं अगर नहीं है तो उनके अंदर उनको एमर्ज करने की कोशिश करें ही कीप्स अ हॉबी एंड इट इज आल्सो इंटरेस्टेड इन फाइन आर्ट सच एज पेंटिंग में भी इंटरेस्टिंग है म्यूजिक में भी है स्कल्पचर में भी है लिटरेचर में भी है ही हैज अ थ्रस्ट ऑफ नॉलेज दैट ही वांट्स टू क्विंच बाय डिफरेंट रीडिंग डिफरेंट बुक्स दे आर बाई एनरेचिंग हिज इमेजिनेशन ही इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ हार्डवर्क कमिटमेंट एंड ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी अभी जो है ना क्लोज टू परफेक्शन किसको बोलेंगे आप स्टूडेंट हु इज गुड एट स्टडी प्ले एंड अदर को करिकुलर करिकुलर एक्टिविटीज़ आगे आप क्या करेंगे इसको ठीक है बिहेवियर आउटलुक प्रेजेंटेशन एंड मेंटल मेकअप कम्प्राइज आवर किस में कम्प्राइज ये ये बिहेवियर आउटलुक प्रेजेंटेशन ये किस में होता है पेंटिंग म्यूजिक एंड स्कल्चर आर ये क्या है ये तीनों चीजें क्या हैं ठीक है आर्ट हैं क्या है एंटरप्राइजिंग मीन्स अब एंटरप्राइजिंग का मतलब क्या है तो ठीक है तो ये वाला आप भर देना है आपने और ये वाले आपके अंदर गुण नहीं है तो इनको पैदा करने की कोशिश करने लास्ट वाला पार्ट हमारा है एडवर्ब एडवर्ब किसको बोलते हैं सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे एडवर्ब का मतलब होता है जब हम किसी वर्ब के बारे में बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं वर्ब के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब क्या बोलते हैं एडवर्ब अगर हम जैसे यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिया काइंड क्या वर्ड लिया काइंड और इसका दूसरा पार्ट लिया काइंडली तीसरा पार्ट इसी का लिया काइंडनेस अब काइंड मतलब क्या है जब एक मैं लिखूँ काइंड मैन काइंड मैन अब मैन जो है ये नाउन है कि वर्ब है तो सिंपल सी बात है कि मैन जो है ये एक नाउन है तो जब हम नाउ काइंड मैन मतलब के बहुत अच्छा रहमदिल इंसान ठीक है तो यहाँ पर हमने काइंड किसके लिए यूज़ किया एक नाउन के लिए यूज़ किया जब हम नाउन के लिए कोई चीज़ यूज़ करते हैं कोई चीज़ जो नाउन को क्वालिफाई करती है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्या बोलते हैं एडजेक्टिव तो उसका मतलब यहाँ पर काइंड जो है ये क्या है एडजेक्टिव है क्या हमारे लिए एडजेक्टिव राइट right? और उसके बाद दूसरा वर्ड हमने इसी का लिया है काइंडली काइंडली राइट तो अब ये काइंडली क्या है जैसे हम बोल सकते हैं ही बिहैव ही जो है यहाँ पर इस वर्ड ही बिहेव्स काइंडली ही बिहेव्स ही बिहेवड काइंडली सॉरी ही बिहेवड काइंडली वो मेरे साथ बड़े काइंडली मेरे साथ बिहेव किया या उसके साथ ठीक है ही बिहेव काइंडली विद मी तो यहाँ पर हमने जो काइंडली है वो ही के लिए यूज़ नहीं किया यानी ही बिहेव्ड ही काइंडली नहीं है उसका बिहेवियर काइंडली है हमने यहाँ पर काइंडली जो है किसके लिए यूज़ किया वर्ब के लिए बिहेव्ड के लिए, लिए यूज़ किया काइंडली तो जब हम वर्ब के लिए वर्ब को, को कोई वर्ड लगाते हैं जिससे वर्ब का मीनिंग बदल जाए तो या हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं ही बिहेव्ड रूडली ही बिहेव्ड रूडली तो उसका मतलब या शी बिव रूडली तो अभी ही और शी में कौन अच्छा है शी बिहेव रूडली ही बिहेवड काइंडली अब ही ही और शी में अच्छा कौन है डेफिनेटली ही है क्योंकि शी का जो बिहेवियर है वो रूड है उसका मतलब जो उसका एक्शन है वो रूड है तो जब हम वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उसको बोलते हैं हम एडवर्ब उसको क्या बोलते हैं हम एडवर्ब राइट और उसके बाद हमने तीसरा वर्ड लिया है काइंडनेस क्या वर्ड लिया हमने काइंडनेस हमने वर्ड लिया काइंडनेस के आई एन डी काइंड एन ई डेस काइंडनेस अब काइंडनेस क्या है जैसे काइंडनेस इज अ गुड क्वालिटी ही इज नाउन फॉर हिज काइंडनेस उसे जाना जाता है एक चीज के लिए किसके लिए एक काइंडनेस के लिए यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट में काइंडनेस हमें यूज किया काइंडनेस इज अ गुड क्वालिटी काइंडनेस एक अच्छी क्वालिटी है तो काइंडनेस यहाँ पर क्या बन गया नाउन तो इसको बोलते हैं हम एबस्ट्रक्ट नाउन ठीक है काइंड यहाँ पर हमारे पास है एडजेक्टिव क्योंकि ये क्वालिफाई करता है नाउन को काइंडली इसका क्या आ गया क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई करता है तो इसलिए काइंडली और काइंडनेस यहाँ पर आ गया एवस्टक नाउन इसी तरीके से अगर आप वो ऑनेस्ट ऑनेस्ट को देखें यहाँ पर है ये एडजेक्टिव ऑनेस्ट बॉय यहाँ पर ऑनेस्टली जब लगाया तो ही वर्कस ऑनेस्टली ही बिहेव्स ऑनेस्टली ऑनेस्टी यहाँ पर क्या है एक एडजेक्टिव है ठीक है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो यहाँ पर ऑनेस्टली ऑनेस्टली जो जब हमने लगाया तो ये हमने किसके लिए लगाया वर्ब के लिए लगाया तो काइंडली और ऑनेस्टली इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं तो जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करे उसको हम बोलते हैं एडवोब उसको हम क्या बोलते हैं एडवर्ब तो आज इसके बाद जो है हमारे कुछ ये एक पैराग्राफ है जिसमें हमें अगर आप ये देखें फाइंड सेंटेंसेज इन द लेंसन फ्राम द वो एडवर्ब्स गिवन बिलो तो आपने क्या करना है एडवर्ब इसमें भरना है जिसमें इस यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स की एग्जांपल्स भी दी हैं एफली सारोफुली कम्प्लीटली लॉफ्टली केयरफुली डिफरेंटली क्विकली नॉन चैलेंटली ठीक है द रिपोर्ट मस्ट बी रीड डे डे सो देट परफॉर्मेंस कैन भी इम्प्रूव अगर रिप, रिपोर्ट को जो है कैसे पढ़ा जाना चाहिए केयरफुली पढ़ा जाना चाहिए या एवफुली पढ़ा जाना चाहिए कम्प्लीटली पढ़ा जाना चाहिए ठीक है तो आपने ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसमें दिखना है कि क्या लिख सकते हैं एट द इंटरव्यू यहाँ पर देखिए समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चन कैसे उसने आंसर किया क्योंकि आगे फिर लिखता है श्रगंग हिज शोल्डर्स तो लॉफ्टली ठीक है वी ऑल बिहेव्ड अभी ऑल है तो बहुत सारे हैं ठीक है जब हम सब बिहेव करते हैं जब हम भूखे होते हैं तो हम कैसे बिहेव करते हैं तो डिफरेंटली ज़्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पर क्या आएगा डिफरेंटली द टीचर शुक हर हैड डे डे रवि लाइटर जब रवि ने झूठ बोला तो उसने सर नीचे किया कैसे सोरोफली ज़्यादा यहाँ पर अप्रोप्रिएट क्या आएगा सोरफली आई फॉरगेट इट मैं इसके बारे में भूल गया कैसे कंप्लीटली वैन आई कम कंप्लीमेंटेड रिवैथी ऑन हर सक्सेस शी जस्ट स्माइल एंड टर्न अवे कैसे वो टर्न हुई नॉन चैलेंटली द प्रेजिडेंट ऑफ द कंपनी रेज हिज हैड एंड स्पोक उसने बोला कैसे बोला ठीक है एफली बोला तो कैसे बोला एवफली तो यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है एफली स्पोक को क्वालिफाई करता है एफली तो वो बन गया एड आई फिनिश्ड माई वर्क मैंने अपना काम खत्म किया सो देट आई कुड गो टू प्ले अब मैं खेलने जाऊंगा अब ये कैसे खेलने जाएगा ठीक है खुशी खुशी जाएगा एफली जाएगा ठीक है तो उसके खेलने को अब ने हमने किसके साथ किससे क्वालिफाई किया एवफुली ठीक है द रिपोर्ट मस्ट बी रीड अब ये पढ़ी जानी चाहिए कैसे पढ़ी जानी चाहिए केयरफुली ठीक है तो पढ़ा हमने पढ़ना क्या है हमारे पास यहाँ पर वर्ब पढ़ना क्या यहाँ पर है वर्ब तो जब हमने इसको केयरफुली लगा दिया तो उसको मतलब यहाँ पर क्या बन गया केयरफुली क्या आ गया एडवर्ब राइट तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं जहाँ पर हमने जिसे रीड को क्वालीफाई किया ठीक है आंसर्ड अवर क्वेश्चन यानी आंसर यानी उसने एक जवाब दिए कैसे दिए ठीक है लॉफ्ट दिए ठीक है तो उसको क्वालिफाई हमने किया लॉफ्ट ली के उसका बिहेव वी ऑल बिहेव हम बिहेव करते हैं कैसे बिहेव करते हैं इस एक्शन को हमने किससे क्वालिफाई किया डिफरेंटली टीचर शुक हर हेड उसका सर नीचे हो गया यानी नीचे हो गया तो कैसे Sorrowfully, ठीक है तो नीचे होना यानी उसको क्वालिफाई करता है ठीक है टीचर को क्वालिफाई नहीं करता यहाँ पर आ, sorrowfully, ठीक है वो उसके एक्शन को क्वालिफाई करता है आई फॉरगेट अबाउट इट मैं भूल गया मैं भूल गया कंप्लीटली मैं कंप्लीटली जो है फिफ्थ में आई को क्वालिफाई नहीं कर रहा है ये फॉरगेट को क्वालिफाई कर रहा है तो यहाँ पर क्या आ गया कंप्लीटली ठीक है तो होप कि आपको ये एडवर्ब थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा इसके मैंने यहाँ पे लिखा भी है पहले में कॉल केयरफुली दूसरे में लॉफ्टली तीसरे में आ गया डिफरेंटली चौथे में आ गया सॉर ऑफली पाँचवें में कम्प्लीटली छठे में आ गया नॉन चैलेंटली सातवें में अफली आठवें में क्विकली ठीक है तो क्विकली क्विकली आप इसको नोट भी कर सकते हैं अभी आप इसको ये कुछ एडजेक्टिवस भी हैं नाउन्स भी आप बोलेंगे भाई ये एडजेक्टिव और नाउन क्यों लिखा हुआ देखो अगर आपके पास हाथ में चाकू है ना तो सब्जी काटोगे तो वो चाकू है तो अगर उसी चाकू से आप किसी को सर में घुसोड़ोगे तो वो छुरा बन गया ठीक है तो इसी तरीके से एंग्री को आप यूज़ करोगे सेंटेंस में तो ब्यूटीफुल को आप यूज़ करोगे सेंटेंस में आदमी को डिस्क्राइब करने के लिए चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए तो ब्यूटीफुल क्या बन सकता है ब्यूटीफुल रोज बन सकता है लेकिन अगर आप इसी को कर सकते हो ब्यूटीफुल वर्क ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शॉट ठीक है ब्यूटिफुल टॉक ठीक है कुछ भी यानी जब आप इसको वर्ब को क्वालिफाई करोगे इसके साथ तो ये बन जाता आपके पास ठीक है एडजेक्टिव एडजेक्टिव भी बन सकता है और नाउन भी यहाँ पर बन सकता है ये ठीक है तो जहां पर जिस हिसाब से आप इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो आपने इनको भूल जाइए आपके एब्जेक्टिव के नाउन है आपने इनको यूज करना है एडवर्ब एडवर्ब बनाना है, तो एंग्री का आएगा एंगरली हैप्पी का है, हैप्पी ली मैरी का मैरीली स्लीप का स्लीपली इजी का ईजीली नॉइज का नॉइजली टाइट का टाइटली ग्लूमी का ग्लोमली थॉटफुल का थाटफुली ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली तो ली 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 लगा के ये तो सिंपल सा है कि जब हम ली, 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 ली ले 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 लगा देते हैं उसके अलावा भी ली के एल वाई लगाने से के बगैर भी एडवर्ब uh, हो सकता है लेकिन एल वाई लगाने के बाद ये सिंपल है कि ये एडवर्ब हमारा बन जाता है जब हम एल वाई या वाई लगा देते हैं ठीक है तो ये बन गए हमारे कुछ एडवर्ब्स तो यहाँ पर मैंने ये, ये लिखा भी हुआ है कि इनकी स्पेलिंग्स क्या लेती हैं एंग्री की एंग्रिल बनाने के लिए क्या स्पेलिंग आएगी हैप्पी की हैप्पीली कैसे बनेगी ठीक है मैरी की मैरीली कैसे बनेगी तो ये सारी स्पेलिंग्स आपके लिए सो थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस धन्यवाद